मोदी को पाए वोट मोदी को। बीमार में वैसे रहता हूँ, अंक चला चारों मेरा कोई कमाने खाने वाला है, डब्बा खा घूम रहा हूँ मैं। ये वोट डाल लेंगे कांग्रेस की, डाल लेंगे कांग्रेस की डाल लेंगे। हाँ ऐसा क्या सुशील गुप्ता जी हो रहा मैं क्या यार दूसरे में बीजेपी में क्या करा, बीजेपी ने तो सारे युवाओं और किसान सबको गोल कर दिया। मोदी ऐसा आदमी है जिन्ना रेडी वाले टेम्पो वाले रिक्शा वाले समझे, बाकी किसी ने समझे। आज ग्राउंड लेवल रिपोर्ट के लिए अर्थप्रकाश के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पता करेंगे कि कुछ क्षेत्र जो रणभूमि में तब्दील हो चुका है वहां पर लोगों का वोट किसके साथ जा रहा है, बातचीत करेंगे यहां के तमाम लोगों के साथ। इस बार आपका वोट किसको जाएगा सर? वोट डालेंगे अंकल? वोट जो पार्टी काम कराएगी ना लोगों के बीच में रहेगी उसको मतदान करने का फायदा जी। अभी तक आपका मत किसको जाता है? जैसे चुनाव आने वाले 5-1 दिन है, ये तो अभय चौटाला के पास है। अच्छा जी, आपको लगता है कि अभय चौटाला आपके लिए आगे सफल हो पाएगा? जैसे पिछली कार्रवाई देखी ना उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, शायद उस लाइन पर चला तो ठीक है, नहीं आगे फिर बदल देंगे। किसको वोट डालनी है? और किसी को पूछना ना है? और किसी को पूछना? किसकी वोट पानी है? मोदी को पाए वोट जी। हाँ जी मोदी को। मोदी को डालोगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्या है मोदी में? मोदी ने काम बहुत अच्छे करे हैं। अच्छा जी, तो आपका वोट इस बार मोदी को जा रहा है। हाँ। सर किसकी वोट डालनी है इस बार? देखेंगे, वोट बनाते हैं मूड अभी। टक्कर दोनों की है। किस किस की? नवीन जिंदल की और सुशील गुप्ता की। हाँ जी बीजेपी। बीजेपी को डालेंगे? बस जहाँ देखेंगे वहाँ निकलेगा, वहीं पाएंगे जी हम तो। फिर भी अभी तक आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं लगता, हम तो पहले भी डब्बा पकड़ रखा था, अभी डब्बा पकड़ रखा है। हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनाई नहीं है। मोदी के राज में जैसे गरीब का कार्ड बना है सब नहीं, हमारे तो कुछ भी नहीं बन रहे। ये देखो हम तो वोट कार्ड भी लेकर जेल में घूम रहे थे, ठीक है। ये देखो कितने कार्ड पड़े मेरे पास, सारा कुछ पड़ा। तो मेरे को कुछ सुविधा ही नहीं हुई बताओ तो सही। बीमार में वैसे रहता हूँ, अंक चला चारों मेरा कोई कमाने खाने वाला है नहीं, डब्बा खाया घूम रहा हूँ मैं। ये वोट डाल लेंगे कांग्रेस की, डाल लेंगे जी? कांग्रेस की डाल लेंगे। सुशील गुप्ता जी? हाँ। ऐसा क्या सुशील गुप्ता जी हो रहा है? और हमें क्या यार दूसरे में जो नहीं डालनी, दूसरे में क्या नहीं डालनी? मतलब आपको लगता है कि सुशील गुप्ता जी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ये तो सब अपनी अपनी तैयारी सब कर रहा है, चाहे 10 वोट आओ चाहे जीतो, कोई हार मान का थोड़ी खड़ा होगा। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन से गाँव से हो जी आप? यही परवर से जी। आपका नाम जी? मेरा नाम गंगा सिंह। इस बार आप लोकसभा चुनाव में किसकी वोट डालेंगे? नरेश जोगी को, समता पार्टी। अच्छा, ऐसा क्या खास है नरेश जोगी में? ये एक बरादरी से जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं जी। ठीक है जी, ईमानदार आदमी है। राम राम भाई। राम राम। कहाँ से अंकल आप? तंगोर से हूँ अंकल। किसको वोट दोगे? वोट समता पार्टी को देंगे भाई। कौन खड़ा है समता पार्टी से? नरेश कुमार खड़े हैं, नरेश जोगी। बीजेपी कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, फिर भी नरेश कुमार जोगी का नाम आ रहा है। बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी ने तो सारे युवाओं और किसान सबको गोल कर दिया। जो आज कुछ क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो चुका है, हर प्रत्याशी अपना जोर दिखा रहा है, इस बार आपका वोट किसको जाता है? हमारा जी वोट यहाँ से ये सांसद नवीन जिंदल जी खड़े हैं, तो हम तो इन्हीं को बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जैसे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और ये 5 लाख का मतलब ये जो इलाज दे रही है, मतलब काफी मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, तो हम बीजेपी को वोट देने के लिए। तो बीजेपी को वोट जा रहा है जो मोदी के नाम पे जा रहा है, या लोकल प्रत्याशी को देख कर भी आप मोदी को वोट दे रहे हैं? नहीं, मतलब मोदी जी ने काम ही इतना अच्छा किया, जो हमारे कुरुक्षेत्र के मेन जितनी मतलब की जनता है तो ज्यादा मतलब बीजेपी की तरफ है, कहने का मतलब जो अच्छे कार्यों की वजह से। बीजेपी क्या करे, अपने समाज का बंदा खड़ा, इसको वोट देंगे भाई? ईमानदार आदमी। ठीक है अंकल। ईमानदार आदमी है भाई, अपने बिरादरी का है। अच्छा फिर और भी बात है, बहुत जुझारू नेता है, कर्मठ है। ठीक है, इसलिए नरेश जोगी को वोट देंगे, समता पार्टी को वोट देंगे। कहाँ से आप? किसको वोट डालेंगे सर आप? नरेश कुमार को वोट दीजिए। कौन सी पार्टी से? समता पार्टी से। तो ऐसा क्या है नरेश कुमार जो बहुत का हो गया है सर, तो इस बार आपका वोट नरेश कुमार? नरेश कुमार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी?
रघुवीर सिंह। अंकल इस बार आप वोट किसको डालेंगे? नरेश जोगी को। कौन सी पार्टी से खड़े हैं ये? जो है नरेश जोगी को वोट पाएंगे हम तो सारी ज्यादा मारी। मोदी की वोट है। मोदी की वोट है। हाँ। कैसा क्या है? मोदी ऐसा आदमी है जिन्ना रेडी वाले टेम्पो वाले रिक्शा वाले समझे हैं, बाकी किसी ने समझे। इस बार आपका वोट किसको जाता है? समता पार्टी को। कौन प्रत्याशी कौन है? नरेश कुमार जोगी।